ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਯੂ ਗਾਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਲ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਬਰੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਔਨ ਏਅਰ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਕਾ ਸਰ ਲਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਬਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਦਾਬ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਕਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੋਨੀ ਜੀ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਸੇ ਰੂਬਰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਸੇਮ ਹੀਅਰ ਹਮ ਲੋਗ ਇਤਨੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੇ ਜਬ ਸੇ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ तब से मैं आपको गूगल कर करके यूट्यूब कर करके कि और क्या गाया है और क्या करते हैं और मैंने तो बहुत मजा लिया है थैंक यू सो मच आज हमारी महफिल खास होने वाली है हमने सोचा कि आपका जो गाना है दबंग का स्वागत नहीं करोगे हमारा तो हम कैसे स्वागत करें सारी रात से हम यही सोच रहे थे कि आपका स्वागत कैसे किया जाए अरे आपका प्यार है बस और कुछ नहीं अच्छा प्यार से पहले बताइए पीछे जो म्यूजिशियन बैठे हैं कौन कौन है ये म्यूजिशियन नहीं है मेरे बेटे हैं ये मेरा बेटा है रमेश हेलो हेलो ये है सोहेल सोहेल साहब ओके हेलो हाउ ओल्ड आर यू सोहेल आई एम 13 वाओ जीवन हाउ अबाउट द अदर वन 15 15 शाबाश अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास भी 15 ईयर ओल्ड है लेकिन वो खाता है सोता है और बस पियानो बजाता है वो दो तीन ही दो काम ही करता है वो अच्छी बात है जी तो अब हम लोग जैसे बताया कि शबाब जी आज हम यूजुअली हम पंजाबी में करते हैं शो लेकिन आज वैसे पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी कि नहीं आती एक्चुअली थोड़ी थोड़ी मैं एक्चुअली पंजाब बॉर्डर से ही हूँ जो मेरा सहारनपुर तो पंजाब का लास्ट बॉर्डर सहारनपुर है तो एक्चुअली काफी गाने के मौके मिले और गाए हैं गाने मगर थोड़ा थोड़ा समझता हूँ बस अच्छा समझता हूँ पर बोलन दे करे ट्राई कितनी है कि कितना बोली दी है पंजाबी कभी नहीं चलो ये अच्छा है कि शुक्र करो समझ में आ जाती है हाँ एक्चुअली पंजाबी बहुत खास पंजाबी बहुत ठेठ पंजाबी भी गाई है बहुत अच्छा। एक मीनिंग समझ के गाई है मगर वो तलफ्फुज़ समझ में नहीं आते कि क्या कहा है मुझे समझा दो काफी गाने रिकॉर्ड हैं काफी आप लोगों ने सुने हैं जी आज भी सुनेंगे ऐसी कोई तो हम सबसे गाना सुनने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं इंग्लैंड हो गया कनाडा हो गया अमेरिका हो गया या जब जहां हम लोग बाहर रहते हैं सारे क्योंकि हम लोग खुद अमेरिकन बेस हैं इंडिया के लिए पाकिस्तान एनआरआई हो गया पाकिस्तान के लिए इंडिया एनआरआई हो गया तो ये मैं जरूर बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि आपकी शुरुआत बॉलीवुड में कैसे हुई आप थोड़ी सी जर्नी शेयर करें अपनी मेरी एक्चुअली जब शुरुआत हुई मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद इकबाल साहब जी और अंकल अफजल साहब जी जो टाइटल इंडियन साबरी ब्रदर्स तो उनके साथ मेरी शुरुआत हुई फर्स्ट सॉन्ग था प्यार के तो डरना क्या तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है जी तो ऐसे ही जब सब गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे उसी वक्त म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजी साहब बहुत उन्होंने जब ये कंपोज किया तो स्टूडियो बैठे थे तो बैठे बैठे उनके वालिद मोहतरम जनाब उस्ताद शराफत खान साहब तो उन्होंने बोला कि एक तराना सोचता हूँ तराना बनाते हैं इस गाने के अंदर तो कहने लगे तराना गाएगा कौन कहने लगे शबाब से ट्राई करते हैं अरे शबाब अभी क्या 12-13 साल का बच्चा क्या ये करेगा ये तो कहने गाएगा तो एक आग थी
मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं गाऊंगा। अब वो मैंने कहा मैं गाऊंगा, तो वो जैसे ही वो पार्ट दिया मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ चीज है। और वक्त से वो एक ऊपर वाले कर्म का महत्व ऊपर वाले की बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ, बहुत मकबूल गाना हुआ, आपने सब लोगों ने सुना है तेरी जवानी बड़ी मस्त 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 है। बिल्कुल, वो फर्स्ट ब्रेक मेरा मेरे डैडी के साथ रहा। तो आप 13 वर्ष के थे तब? 13 साल जी जी, क्या बात है। वही तो मेरी यह है कुलदीप जी कि 13 साल का मैं था, आज 13 साल का 15 साल का मेरा बेटा बेटा है साथ में। बस ऐसे जो पुश्तैनी काम है ना, जो खानदानी काम है, वो 13-13 में गुरु नानक देव जी ने 13-13 करके दुनिया तोड़ दी थी। सब कुछ 13 कहते हैं ना, सब कुछ 13। सो लो जी, बड़े सारे हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ रही है और आप लिख भी रहे हैं। गाइस, आपके साथ भी हम लोग बहुत जल्दी रूबरू होंगे, जो हमारी ऑडियंस है डिसहार्टन ना हो। आप पंजाब के बॉर्डर में पैदा हुए थे, तो वहीं पर बचपन गुजारा आपने या फिर आप बम्बई? बम्बई का बॉम्बे, बॉम्बे आगे था जो मैं बॉम्बे, वही तकरीबन 11 साल की उम्र में बॉम्बे आया। ओके, इधर ही सब देखा, पूरा एटमॉस्फेयर घर का माहौल ही था, गाना बजाना सब जगह, यही बरसात थी और कुछ नहीं, तो मैंने कहा इसी काम को करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया। और आपकी जो फैमिली, ये कितने जनरेशन से गा रही है? एक्चुअली मेरी जो फैमिली है 3 जनरेशन से, मेरे परदादा, दादा, फिर वालिद मोहतरम, ये अभी मैं आ गया। तो चौथी पीछे नजर आ रही है मुझे, आपको नजर आ रही है। चौथी पीढ़ी साथ में बैठी है। बिल्कुल, पता है जब जब घर के बुजुर्ग और घर के बच्चे जब साथ मिल जाए ना, तो इससे बड़ी कोई, इससे बड़ी कोई क्या बोलते हैं, अल्लाह की बख्शीश, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। हाँ। बख्शीश है ये, जब घर के साथ हो जाए, रब की मेहर, इससे बड़ी मेहर नहीं होती कि पूरा जनरेशन साथ में काम कर रही हो। तो स्कूल वूल भी गए थे आपके गाने बजाने में? स्कूल भी किया है, स्कूल भी किया है। तो कुछ टाइम स्कूल किया, तो स्कूल के बाद देखा कि होना यही है। हाँ। होना यही है, तो मैंने कहा यार फिर इसको ही देखते हैं जो होगा देखते हैं। तो बॉम्बे में किस स्कूल में गए थे आप? मैं एक्चुअली पहले जो रहा हूँ, एक स्कूल था मुकुल एकेडमी करके सहारनपुर में, वहां से मैंने अपने पढ़ाई का आगाज किया। फिर एक स्कूल, स्कूल ही थे, 7th स्टैंडर्ड में था ये ना, 7th स्टैंडर्ड था, तो कॉलेज करते था इंटर, इस्लामिक इंटर कॉलेज, तो उसमें एडमिशन हो गया था, तो 8th 9th 8th क्लास तक वहां पढ़ा, उसके बाद बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे में कहीं पढ़े? बस घर में पढ़ा। अच्छा। हाँ, फिर उस काम में घुस गए, तो फिर वो भी एक बड़ी, बहुत बड़ी पढ़ाई है। म्यूजिक तो ऐसी है जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पता नहीं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है सर। हवा के साथ खेलना है आपने, रिदम के साथ खेलना है आपने, ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है सर। सर हर चीज की डिग्री मिल जाती है हर चीज को, यानी के जमीन की तल, आसमान की तल सब नजर आ जाती है, मगर गाने बजाने की तल नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। आज भी अधूरे हैं, जब लोगों को सुनते हैं तो आज भी अधूरापन लगता है। क्या बात मेरे भाई, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। जिस दिन खुद को पूरा समझ लिया, तो समझना कि पूरा होने का वक्त आ गया। अच्छा, तो आपको अगर कुछ याद है कि आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस, आपने वो तो बता ही दिया कि आपके फादर साहब के साथ तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तो उससे शुरुआत हुई, तो उसके बाद, लेकिन ऐसा कुछ याद है कि पहली परफॉर्मेंस सोलो कोई की हो? हाँ, पहली फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्मल सा शो था, एक नाइट थी KL सहगल टू बाबा सहगल। तो वो उससे पहले की बात है, तकरीबन वो उस टाइम तो मैं 11 साल का था, 10-11 साल का ही, तो उस टाइम जब वो नाइट आई तो 11-12 साल में, तो जब ये आया तो मैंने कहा यार मैं इसमें परफॉर्म करूंगा, तो मैंने उसमें जब परफॉर्म किया तो फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा हाथ में, माइक ऐसे, और कह रहे गाओ, अब कुछ 2-3 हजार क्राउड था हॉल में, और उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, और जैसे गा रहा हूँ तो हाथ पैर कपकपा रहे हैं, कैसे गाऊं।
कुछ कुछ याद है आपने क्या गाया था तब? कुछ कुमार शानू का सॉन्ग था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, क्या बात है, एक्चुअली चॉइस। मैं आपको बताऊं, मिस्टर और मिस्टर गिल, सुनिए, ये तो मैंने उस टाइम गाया था या मैंने आज गाया है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी सिंगर्स हैं, आप जब इनको गाना शुरू करते हो तो हर सिंगर में कोई ना कोई बात है। आप केएल सहगल की ले लो, चाहे केएल सहगल से रैपर बाबा सहगल की बात कर लो, आप कुछ तो खास होता कुछ है। ना कुछ होता है। और जैसे अभी आपने कुमार शानू को गाया ना, कुमार शानू को गाना बहुत मुश्किल है। वो एक एक लफ्ज जो कह के और जो जोर दे रुक दे के ठहरता है ना, वो हर बंदे के बस का रोग नहीं है सर। बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह हाँ रहे हैं। देखिए, मैं एक जैसे भी मैं सारे गाना शो करता हूँ, जी पर जाता है, तो जी, मैंने देख रखी। उसमें भी हम शानुदा उदित जी हैं, तो जब कोई बात होती है गाने बजाने की, तो मैंने एक बार अनाउंस भी किया, मैंने कहा यार हम सब मानते हैं कि लीजेंड रफी साहब किशोर दा रहे हैं, मैं हमारे वक्त के लीजेंड आप भी हैं, यस सही बात यू आर है, राइट, बिल्कुल किशोर किशोर दा है तो कुमार शानू है, सही। मोहम्मद रफी हैं तो उदित नारायण आज बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बहुत बड़ा नाम है, यस क्या बिल्कुल सही बात, हम क्या गाते हैं, हंस हंस के गाते हैं, हंस हंस हम दोनों को मिल चुके हैं यार। लेकिन उदित जी के जो पर्सनालिटी है ना, चुलबुल। बहुत ही ऐसे लगता है कि आपकी उम्र की है। एंड मैंने उनमें वो नहीं देखा कोई घमंड टाइप घमंड टाइप नहीं, नहीं देखा। आई मीन सो नाइस पर्सन, सो डाउन टू अर्थ। सर ये चीज दोनों में है, शानुदा का भी यही है, एक्चुअली शानुदा का जो ओरा है वो अलग है एक, मगर दोनों की क्वालिटी एक ही है, या इतने शानदार, इतने सिंपल, इतने भोले हैं ना, बहुत कमाल इंसान है। वाह क्या बात है, उनसे सिर्फ मुलाकात हुई थी, इतना टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन उदित जी के साथ तो हमने टाइम स्पेंड ज्यादा किया, बातें ज्यादा भी करने, टाइम वो स्पेंड। तो भोले आदमी है, ऊपर वाले की गाय है। उनके साथ हमने अच्छा चिल किया। उदित नारायण जी के साथ तस्वीर खिंचाने गए, तो ये एक तरफ ये थी और एक तरफ मैं था, तो ये इसके पास गए तो उदित जी डर गए, तो ये उदित जी को बोली डरो मत, कोई गल नहीं, खड़े रहो। अच्छा, और अच्छे मोनिश के बारे में देखा है, माशाल्लाह काफी सुरीली हैं और एक बिल्कुल ऊपर से जो सिलसिला चलता आ रहा है, माशाल्लाह बहुत रूदारी है, सुलझी भी हैं, और आपके बारे में भी जो हमने कसीदे सुने हैं कि माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे तबला ले रहे हैं, तो माशाल्लाह ये सब चीजें एक रूहानी जो ये गिज़ा है हम लोगों की, उसका एक आनंद कुछ और ही होता है। शायद शायद यही रीजन है मेरे भाई के, हमने जिंदगी में ने कभी सोचा था कि हम कभी एंकरिंग भी कर पाएंगे, या ये भी कोई फील्ड होती है, या ये भी कुछ होता है। लेकिन वो शायद बचपन से इतने बड़े बड़े उस्तादों के साथ संगत की है, पंडित रविशंकर जी, पंडित शिव कुमार जी, हरिहरन जी, वाह और पाकिस्तान के उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनके वाह बच्चे, तो जब इतने लोगों को आप मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते जाते हैं। वाह, सो यही सीखा, और शायद ये अब हमारे काम आ रहा है जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो आपकी कमाल है, जैसे वो एक किसी का शेर है कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। वाह जी, क्या बहुत बात, अच्छे। क्या तो बात, ये आपका जो मामला है, एक चीज होती है इसके अंदर भी दो क्वालिटी होती है, एक आदमी जल्दी बहक जाता है, जरा सा जर्रा कहीं भी अगर उभरता है, कहीं जरा सा जर्रा कहीं भी अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। वाह 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 जी वाह, क्या बात है, तो ये बहुत अलग काम है हम लोगों का, वो बोलते थे ना बुजुर्ग, अधीन हुआ तो पार हुआ, मगरूर हुआ तो खार हुआ। वाह जी वाह, तो ये चीजें हैं, अगर
आपने इसको जिंदगी बना लिया और अच्छे से आप पेश आ रहे हैं, तो आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। सही बात है, जहां जरा सी भी आई मैं तो वहीं छोड़ी गया। वैसे अमेरिका में आके अच्छे अच्छे घोड़े गधे बन जाते हैं सर, काम करके। सही बात, घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर के भी काम करने पड़ते हैं खुद ही। अभी फरमाइश आ रही है सर, बातचीत भी करो, कुछ सुना भी दो, तो मेरे पीछे जो प्यारे प्यारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप तीनों मिलके कुछ कुछ शुरुआत आज के प्रोग्राम की शुरुआत किस गाने से करना चाहेंगे आपके ऊपर? आप हुक्म कीजिए कि क्या सर, हम हुक्म करने वाले हैं। आज आपके दिल के सुनेंगे, आज आपका जो दिल चाहे, क्योंकि माई टीवी का मतलब है मेरा टीवी, मतलब जो देख रहा है जो सुन रहा है हाँ तो वो अपना समझे, इसका मतलब ये है। सो ये आपका टीवी है सर, योर स्टेज योर टीवी, आप ही के हम लोग सारे स्रोते सुनने वाले हम लोग, सो जो जो आपका दिल चाहे। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस कोरोना के वक्त में हम लोग जो इस महामारी के वक्त अपने घर बैठे हुए हैं और इसी कारण हम लोग रूबरू हो रहे हैं कैमरे के जरिए, माई टीवी के जरिए, तो वजह क्या है, क्योंकि म्यूजिशियन का भी इस टाइम लॉकडाउन के वो नहीं आ सकते, तो इसलिए मेरी टीम, मेरे बेटे, मेरे दोनों बाजू, मेरे बाजू, मेरे बाजू दोनों, तो क्या क्या थे मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। तो मैं एक्चुअली जो भी मेरा लास्ट सॉन्ग रहा है, काफी ऊपर वाले की मेहर रही है कि बहुत लोगों ने सराहा है, तो उसी गाने की कुछ लाइनों से आगाज करते हैं। इरशाद, श्योर श्योर, इरशाद साबरी, कमाल आर्टिस्ट है बहुत, जी कमाल आर्टिस्ट है। वाजिब क्या बात है, बंद 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 ब
क्या बात है, ये दोनों बच्चों के लिए भी वाजी वाह, कमाल के आर्टिस्ट हैं पीछे छोटे छोटे जबरदस्त ये हमारे आने वाला भविष्य इंशाल्लाह 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 वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, दोनों बच्चे हैं, वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और देखो बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि बच्चे बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा आपस में इन्होंने तालमेल बिठाया, बहुत अच्छा, क्या बात है। सो ऑडियंस हमारी, आपको मजा आ रहा है, क्या बात है। जुबैर हुसैन वारसी, वाह सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, वाह जी वाह। पतन की पंजंतन गुलाम राहुल जी के अंदर है, हिंदी में नाम लिखा, क्या बात है। मोनी जी प्यार क्या, जो प्यार इबादत है, कवाली हो जाए, कोशिश करेंगे आज इनमें से हम सब कुछ निचोड़ डालें। आपको वैष्णो देवी से भी देखा जा रहा है, रैना जी आपको वहां से बोल रहे के माता जी आपको ब्लेस करे, थैंक यू सो मच। विभा श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच, आप हमेशा हर प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत सारी तालियां उन्होंने पेश की हैं। और नौशाद जी अभी अभी आप ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी हस्ती हैं जी अभी। ये दबंग जो पहला पार्ट था उसमें ये गाना किसी और सिंगर ने गाया था जी, ये सुखी जी ने गाया था, सुंदर जी ने गाया था। तो सर ये सुखी जी का गाना आपने गाया, कमाल, इतने बड़े आर्टिस्ट को बराबर के लेवल पे जाके, मुझे एक सेकंड के लगा कि शायद मैं सुखी जी को सुन रहा हूँ। अच्छी आवाज है सुखी जी, बड़ा वर्सेटाइल है कुलदीप जी। ये सॉन्ग जब रिकॉर्ड हुआ तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद भाई सर का और वाजिद जी के लिए, ढेर सारी दुआएं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो अगर दुनिया में नहीं है हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, वो इतने काबिल म्यूजिक डायरेक्टर, इतने टैलेंटेड, मैंने ऑलमोस्ट सभी लोगों की म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर जो वाजिद सर की बात, साजिद वाजिद सर की बात है वो एक अलग है। और ये गाने का लास्ट जो पहली दबंग थी तो उसमें मैंने गाया था हमका पीनी है लास्ट, तो अभी इसमें दबंग के अंदर तो उन्होंने मुझे बोला कि शबाब ऐसी ऐसी बात है कि सलमान भाई का ये ऐसा सा है कि गुड़ दबंग चाह रहे कि तुम गाओ। मैं जो आपने बोला ना कुलदीप जी, वही बात, मैं क्या सर इतने टाइम पहले ऐसा गा चुके सुखी पाजी, मैं क्या गाऊंगा। कहने लगे नहीं यार अभी एक ट्राई करो, गाओ 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 गाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करता हूँ। तो उनका एक भरोसा, उन्होंने कहा तो मैंने माइक पे जाके ट्राई किया और वो ऊपर वाले करम ऐसा हो कि सलमान भाई को सब लोग उतना पसंद आया। मैं इतने टेंशन में था, मैं गया दो टाइम सुखविंदर जी ने गा चुका ऑलरेडी और दोनों बार इससे अंदाज से गाया है कि लोगों ने, क्योंकि अभी लोगों ने वही सुना हुआ है तो दिमाग में ऊपर वाले की दुआएं आशीर्वाद है। सुखी जी के बारे बता रहा हूँ, सुखी जी का यहाँ शो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं विजय तनेजा जी, बहुत पुराने जो यहाँ पर बॉलीवुड के आर्टिस्ट वही बुलाते हैं, शो कराते हैं, मतलब सबसे बड़े वही हैं, उन्होंने शुरुआत की थी और अभी भी कर रहे हैं, कोविड के लिए बंद हो गया। तो पिछला शो उनका एक सुखी जी का था, तो सम हाउ सुखी जी और केड़ी कुड़ी सी कनिका सुखी जी थे, समाज सुखी जी आ रहे थे तो उनका जो कोरस ग्रुप के बंदे थे तीन चार, वो उनका फ्लाइट मिस हो गया, फ्लाइट मिस हो गया। तो यहाँ हमारे दोस्त हैं, डीजे का भी करते हैं, तो इतने में मैं और मोनी शो देखने गए थे, तो उस लड़के का नाम सनी मल्ली है, वो डीजे का काम करता है, तो उसने देखा कि हम टिकट के उसमें खड़े, तो मुझे बोला तू इधर आ, बोला क्यों, बोले तू मेरे साथ चल पीछे। तो मैं पीछे चला गया तो वहां मेरा एक और दोस्त था आमिर अशरफ और एक पंजाबी मुंडा सी, मैंने उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो बोले तुम तीनों कोरस करोगे सुखी जी के पीछे। अच्छा, मेरे तो पाव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने बोला ये कोरस गाना सुखी जी के पीछे मरवाओगे क्या हम लोगों को, मतलब उस बंदे की आवाज देखिए। तो उस उनमें एक म्यूजिक डायरेक्टर था, उनका टोपी पहनता था बंदा, बोलता है मैं गवा लूंगा तुमसे, जहां जहां इशारा करूंगा वहीं पर तुम तीनों ने आना है,
लिटरली जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, उसका ध्यान हम तीनों पे ही था और शो हो गया। और शो के बाद हम ग्रीन रूम में, मैंने बोला यार तूने शो करा लिया हमें, मुझे सुखी जी से मिलना है, मुझे सब, मैं तो फैन हूँ बहुत बड़ा, तो मैंने इसको लेके गया वहां। तो सुखी जी बड़े थे, तो जैसे आए तो फिर आने भी तो बोले वो लड़का जिन्होंने कोरस किया वो बोलता मैंने मिलना है। तो सुखी जी जैसे बारे मैंने पाओ को हाथ लगाया, रिस्पेक्ट, बिग आर्टिस्ट, बिग ब्रदर, राइट। तो मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, उसने भी पैर को हाथ लगा दिया। तो सुखी जी मुझे बोले तेरा पाओ को हाथ लगाना ठीक है, ये क्यों लगा रही है? मेरे बोले सर आपको बड़ा बोलते, इतना बड़ा मत बना मुझे, मैं नॉर्मल ही बोले। सो इतना सा मौका मिला, अभी भी यंग ही लगते हैं। हाँ। नहीं, सुखी जी के, एक्चुअली सुखी जी की भी बात अलग ही, ऊपर वाले ने उनको जो बख्शी है ना, बस वॉइस क्वालिटी टाइगर टाइगर। मेरी खुश नसीबी रही है कुलदीप जी, मैंने दो तीन मूवी के अंदर उनके साथ गाने गाए हैं, साथ में सॉन्ग रहे हैं मेरे। कुछ अभी एक थी पुलिस गिरी, उसमें सॉन्ग था, एक थी जंजीर करके आई थी रामचरण संजीदत्त की मूवी, तो खोजे पठान, उसमें कवाली थी, मीत ब्रदर की कवाली थी, मीत ब्रदर अंजन की, तो वो कमाल का सॉन्ग था। तो वो एक्चुअली सुखी जी के लिए वो डब कर चुके थे, उनको सेकंड वॉइस चाहिए थी, तो वो सेकंड वॉइस ढूंढ रहे थे यार किसको गवाए किसको गवाए किसको गवाए। जो मोनी जी ने शोरी काटा है ना वो पार्ट अपना एमटीवी का, तो अंजन ने वो सुना, जो अमित ब्रदर के पार्टनर थे, तो वो पार्ट सुना उन्होंने, तो कहने लगे यार मुझे मिल गया सिंगर शहबाब साबरी, उसका एमटीवी पे एक वो आया है सॉन्ग, मैंने सुना है ये। तो उन्होंने मुझे कॉल किया अमित ब्रदर ने, तो मैं स्टूडियो पहुंचा। अब मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ, अब गाना सुना है तो सुखी जी लहरा रहे हैं, मैंने कहा यार मैं क्या गाऊंगा, मैं क्या गाऊंगा, मैंने कहा यार बहुत ये अपने बस की बात नहीं, शबाब ऐसे ऐसी बात है, वो रामचरण है हीरो, उस पे आपकी वॉइस है, संजय दत्त पे जो है वो सुखी जी की वॉइस है। मैंने कहा भाई मैं गा नहीं सकता, ऐसा गा रखा है। कहने के नहीं चलिए 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 आप चलिए और गाइए। अब जो गाया है बस ये मेहर करम ऊपर वाले का, अब जो गाना डब हुआ है और इतना ऑप्टिव सॉन्ग था, तो सुखी जी एक्चुअली बड़ा जो शख्स है वो ऐसे नहीं होता है, तो उन्होंने जो ऑक्टिव का सब सुना मेरा, यानी कि गाना तो गाना था ही, कि नहीं शबाब ने बहुत अच्छा गा दिया है, जो उसने गा रखा उसका रखो और ये पार्ट में गा देता हूँ। वाओ क्या बात, आप वो गाना कभी सुनना संजीत का, यारों के जी यार है दिलदार है हम, यारी पे मिट जाएंगे खुदा की कसम, जान दे दे जो तू करे इशारा, ओ यार खोचे पठान की जुबान है, ओ यार खोचे पठान की जुबान है, ओ यार क्या बात। और वो जो पिक्चराइज हुआ संजय दत्त के ऊपर और रामचरण के ऊपर, और फिर गाना भी पिक्चर बहुत कमाल हुआ, वो फिल्म नहीं चल पाई, तो इसलिए कुछ ये इंडस्ट्री हमारी जो है वो एक अलग दुनिया है सर। चलना नहीं चलना ये तो प्रोडक्ट के बाद लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्टिंग है, एक्टर ने भी उतना ही दम लगाया होता है, सिंगर ने भी उतना ही जोर लगाया होता है, म्यूजिशियंस ने भी। सो हम देखते हैं कि सुर तो सुर है सर हमारे लिए, चाहे आप फाइव स्टार होटल में स्टेज पे गाओ या मुझे सड़क पे भी जो सुनने को मिल गया, तो मेरे लिए तो वही सुर है सर। सही बात, देखो उसी से आपकी मेमोरी ताजा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो आज बात हो रही है जैसे स्कूल लाइफ, केएल सैगल नाइट और अभी सुखी पाजी का जिक्र आया, तो सब चीजें, एक शो हुआ कोई बॉम्बे में शो था, तो सुखी पाजी, मैंने पाजी वो कहेंगे वो मैं गा रहा हूँ ये गाना, पीने पिलाने के गाने इससे सुनना, ये गाएगा एक शबाब गाएगी बहुत यारों के यार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बड़ी बड़ा मजा आता है। ये रीजन है कि शायद आप में भी वो क्वालिटी है शबाब, आप में बहुत मिलनसार, मिलनसार तो है ही है, टॉप ऑफ दैट जो आपका आर्ट है, आपका जो आवाज है वो, आप हाई नोट्स बहुत अच्छे लगाते हैं और लो नोट भी बहुत अच्छे लगाते हैं, ये कम खासियत है, क्योंकि जो हाई गाता है ना उसको लो में गाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये आपकी खासियत है आप में। मोनी जी बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह ये आपकी काबिलियत है, और आप ने जो एक घराने से ताल्लुक है और इतना
आपने सब लोगों को सुना उसका। ये आशा जी ने मुझे ये चीज कही थी, मैं आशा जी क्या बात है, आशा जी ने मुझे जब हम लोग मेरे दोस्त नितिन शंकर अल्लाह रफी खासब के शागिर्द रहे, नितिन शंकर बहुत बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट है, बहुत अच्छा बजे तुम्बा वगैरह ये पूरे जितने आप गाने सुनते हैं वो सब उनका ही हाथ का होता है। तो नितिन शंकर ने मुझे अप्रोच किया कि अपना आशा जी के सामने, तो आशा जी ने बोला कि शहबाब आ रहे हैं शो में और वो परफॉर्म करेंगे। तो मैं जैसे पहुंचा तो कहने लगे कुछ सुनाइए आप, कुछ गाइए। तो मैं कहा क्या गाऊंगा मैं आपके सामने, तो नितिन भाई कहने लगे शहबाब कोई भी गाना एक सुना दे। तो मैंने ऐसे कोई गाना सुना दिया, तो सुन के बहुत तारीफ की, उस गाने की तारीफ की, तो बहुत तारीफ की थी। गाना ऐसा कमाल गाना था, वो साजिद भाई भाई का सॉन्ग था दबंग का, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो वो बोले कहने लगे कंपोजिंग कमाल है और ये आज भी हिट है, ये हमारे जमाने में होती जब भी हिट होती है। वाह। और रही दूसरी बात, ये शबाब मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम सुना है। मिंका जी मैंने ये मेरी खुशनसीबी रही है जो उन्होंने बोला, कहने लगे मैंने जो आप में सुना है आज तुमने जो बात देखी है, तुम्हारा लो ऑक्टिव मीड एक है, वरना सिंगर को सुनते हैं कि किसी का लो जाता है, किसी का मीड, किसी का ऑक्टिव। तो मैं कह जी शुक्रिया बहुत बहुत नवाजिश। तो आज वो मोनी जी ने भी कह दिया। आज मैं एक और बात कहने वाला हूँ सर, आपको शायद किसी ने कही हो कि नहीं कही हो, आप जब हंसते हैं तो गोविंदा की तरह लगते हैं। हाय हाय, क्या तो मैं हीरो बन गया। दबंग 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 दबंग। नहीं आज तो फिर आज तो पीनी है पीनी है पीनी है, राइट। तो जब आप बॉम्बे आए, आकर एकदम से ऑफ कोर्स क्योंकि आपके डैड और आपके चाचा तो ऑलरेडी स्टार थे, तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती थी, तो आपको क्या फीलिंग आती थी कि ओ माय गॉड मैं ऐसे लोगों को मिल पा रहा हूँ जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, वो फीलिंग कैसी, क्या फीलिंग आती आई आपके दिल में? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है मनु जी, वालिद साहब डैडी और अंकल बहुत सीधे दुनिया रही जी। तो मैं एक्चुअली शूटिंग एक रेसल थी उनके सॉन्ग की, फिल्म थी गुलाम मुस्तफा। हाँ। तो कौन हीरोइन थी उसमें, टंडन, रवीना टंडन और अपना नाना पाटेकर था, नाना पाटेकर थे, वो साथ में बैठे हैं और राजेश रोशन के घर पे मीटिंग चल रही है, सीटिंग गाना बनना है, डैडी अंकल मैं बैठा हूँ और गाना चल रहा है और अंकल की जो साथ की, इतना सिंपल सी आदमी, बहुत किसी से मतलब नहीं अफजल अंकल को, बहुत एकदम अलग अंदाज था उनका, अल्लाह उनको अच्छा रखे परवरदिगार। डैडी तो बहुत सूफी आदमी, हमने काम से काम, हाँ भाई कब राजेश जी ने बुलाया है गाना करना है, चले बैठते हैं। तो वो जब देखते थे कि रवीन्द्र टंडन, राजेश रोशन और नाना पाटेकर, इस तरह से एक अजूबा लगता था कि एक्टर हमारे सामने, हमारे सामने। इसी तरीके से सब सलमान भाई का जब आए हम लोग साथ में, जब फ्लाई साथ में किया, साथ में गए हम लोग मनाली। एक्चुअली क्या हुआ कि वो गाना जब पिक्चराइज हुआ तेरी जवानी, तो लिपसिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कहने लगे एक्टर्स के ऊपर अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो कहने लगे जिन्होंने गाया उनको ही लेके चलता है शूट पर। तो डैडी अंकल और मैं, हम तीनों हैं इस गाने में, आप गौर से देखना गाने को, तो मैं बीच में हूँ अंकल और डैडी का। तो ऐसे से उस टाइम धर्मेंद्र जी जब मुलाकात हुई, तो एक धर्मेंद्र जी का ओरा कुछ हमने उस जमाने सुना, वो देखते सलमान खान तो सलमान खान थे, मगर हम धर्मेंद्र को देख के जुनैद सुल्तानी आप सबको आदाब, बहुत अच्छे सिंगर है ये भी, कवाल है, कवाल बहुत बड़े कवाल फैमिली से, या बहुत अच्छा, सुरीला भी बहुत सुरीला। क्या बात है, कई आर्टिस्ट होते हैं सुरीले नहीं होते, सारे भाजी, सारे सारे आर्टिस्ट तो, सारे आर्टिस्ट तो आपके पास ही है ना। बिल्कुल सही बात है। इरशाद, इरशाद भाई जो आज हम लोग रूबरू बैठे हैं, तो इरशाद भाई ने जो बात कराई और इतनी एक अच्छी आर्टिस्ट, मैं उनका बहुत तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ।
पिंकी पारस जी, जी तो ये भी एक आप में कोई बात है, और इरशाद भाई भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और इसी तरीके से और आज आप लोगों से एक बात हो रही है, माशाल्लाह आप भी तो इस लायक हैं, अल्लाह ने आपको भी तो इस लायक बनाया परवरदिगार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम इस लायक है कि हमें आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। हम लोग आप लोगों के फैन है एक्चुअली, और हमें हमारी खुश नसीबी है कि आपसे बात हो पा रही है। अगली बार मैं लोगों को जरूर बोलूंगा कि मैंने दो बच्चे सुने 15 साल का और 13 साल का, उनको भी देखो भैया आने वाले स्टार वो होने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और अभी एक छोटी सी और बात पूछूंगी, जैसे आप इतना बिजी रहते हैं गानों, अभी तो कोविड की वजह से घर में है, लेकिन जब गाने गाने जब ये कोविड से पहले की बात करना चाहूंगी, तो घर में कितना वक्त दे पाते थे, जैसे शूट पे चले गए, गाने के लिए चले गए, रिकॉर्डिंग्स के लिए चले गए, तो घर में कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। एक्चुअली मेरा ऐसा सा वक्त गुजरा है मोनी जी कुलदीप जी के, मैं रात को 1:30-2 बजे आता था रिकॉर्डिंग से बाहर से, और जब आता था तो बच्चों को सोता हुआ देखता था, और जब वो सुबह 7 बजे स्कूल निकल गए तब मैं सोया होता था। तो उसके बाद 2 बजे वो स्कूल से आते थे, मैं 12-1 बजे निकल गया था, ऐसा ऐसा रहा। वो हम लोगों की ये साइकिल काफी सालों तक चलती रही। अब तो ऐसा हो गया कि कोविड के अंदर तो घर में बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं। पापा अभी ये करना है, पापा चलो गाना बनाते हैं, पापा ये करना है, ये तो पूरी फैमिली के साथ रह जा रहा है, बहुत अच्छे से वक्त गुजर रहा है। बस ये है कि ऊपर वाला इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म कर दे मेरा मौला। सही बात है, अब तो हम दुखी हो गए इससे। सच में मास्क पहन पहन के हमारे, मैं वैसे डॉक्टरों को और जो हमारे फ्रंट लाइन पे जो सेवा कर रहे हैं उनको सल्यूट करती हूँ, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। इतना मुश्किल है, 8-8 घंटे 12-12 घंटे मास्क पहन के रखना, चश्मे पहन के रखना, सांस नहीं ली जाती, चश्मे फॉगी हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। हम लोग को 1-1.5 घंटा पहनना पड़ता तो हमारी सांस फुली होती है कि कब उतारे कब उतारे, तो ये इतना मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, टॉप ऑफ दैट वो चश्मे और ग्लव्स तो पहन ही रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, टॉप ऑफ दैट वो ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं जिससे पता है कि देयर इज अ चांस कि हमें भी वो बीमारी लग सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो यहां से पता चलता है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग रेगुलर लोग हैं, जो हम लोग नॉर्मल हैं, जो कुछ कोई क्या कर रहा है प्रोफेशनल वाइज कोई क्या कर रहा है, उसमें हम लोग सभी आते हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे हाउस मेकर हैं, या कोई बिजनेस ओनर है, तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें सेफ रहना चाहिए ताकि हम उन लोगों पे कम प्रेशर डालें, उन्हें कम पेशेंट देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बात करेंगे कि घर में आपके और जैसे पापा और चाचा तो गाया करते थे और अभी भी गाते हैं, तो घर में और फीमेल्स जैसे मम्मी हो गई, वाइफ हो गई, बहने हो गई, वो लोग भी रूदारी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, रूदारी तो बहुत है, मगर हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, फीमेल। हाँ, तो मगर माशाल्लाह सब जो बहने हैं और जो चाचा की लड़कियां वो भी बहने हैं, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा गाती हैं, इतनी सुरीली है, इतनी जब उनको सुनते हैं तो माशाल्लाह। छोटी बहन बहुत अच्छा गाती है, मगर मामला नहीं प्रोफेशनली है। नहीं, ठीक है, हम लोग भी प्रोफेशनली नहीं गाते, बाथरूम सिंगर हम भी। तो ये रहा है, माशाल्लाह छोटा भाई है दानिश साबरी, आज माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा नाम है, लिरिकल उसका बहुत बड़े बड़े गाने आप लोगों ने सुने होंगे। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी वॉइस टेक्सचर। पिंकी पारस जी के साथ उनका एल्बम उनके साथ भी किया है। हाँ, और बहुत वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दानिश का भी बहुत। तो हम दो ही बेटे हैं, चाचा के कोई लड़का नहीं है, तो हम दो भाई हैं, मैं और दानिश। ऑल टुगेदर कितनी बहनें हैं, चाचा की बेटियां और आपकी बहनें? वो बहुत बहनें हैं, बहनें तो नहीं है, फौज है पूरी। नहीं, सकी के क्या होता है ना कि पूरे खानदान में, मैं एक लड़का जब हुआ उस वक्त तक के कम से कम 8-10 लड़कियां हो चुकी थी सबके। फिर तो तुम तो बड़े लाडो से पले हो। माहौल गया,
कारवा बनता गया। तो उसके बाद दानिश, दानिश का जन्म हुआ, तो दानिश से फिर ये हुआ, फिर चाचा है कि और चाचा है, उनके दो बेटे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिशान फैजान करके, तो वो भी काम कर रहे हैं, शमशाद साहब जी के बेटे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये दानिश अपना वो डैडी का भी लाइन है संभाल रहा है, और बॉलीवुड में भी इसके सारे माशाल्लाह काफी गाने हिट हैं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है, अपना काम बनता किधर है, बहुत गाने। अरे बाप, अभी दबंग के, दबंग के ऑलमोस्ट उसने लिखे हैं सारे गाने। तो आप अब जहाँ रह रहे हैं, तो इस घर में आप कब मूव हुए, कब से रह रहे हैं इस घर में? मैं अभी बस एक्चुअली लॉकडाउन के अंदर ही शिफ्ट हुआ। सर अच्छा, नया घर एंजॉय किया काफी वक्त से, सॉरी सॉरी क्या बोलते मोनी जी, नया घर एंजॉय करने को मिल गया इतने घंटे रहने घर में। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, क्या मैं इसको काफी टाइम से चल रहा था, कुछ काम चल रहा था, ये वो चल रहा था 7-8 महीने से, वो फिर लॉकडाउन हो गया, तो मैं घर बैठा था दूसरे फ्लैट में, तो वाइफ बोली कहने लगे अभी क्या करना है ये वो, मैंने कहा यार सब रेडी है उधर, दो बैग कपड़ों के लो और चलो अपना रहते हैं खत्म बात। तो लॉकडाउन के अंदर ही हम लोग 21 अप्रैल में शिफ्ट हुए। क्या बात है, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। और बाय द वे मैंने इनका घर का थोड़ा सा टूर किया है, मैंने वीडियो में देखा, बहुत खूबसूरत घर है। तो ये खुद की चॉइस है, टेस्ट है, वाइफ की टेस्ट है, या डिजाइनर ने आकर डिजाइन किया? नहीं, ये वाइफ ने पूरा किया है, वाइफ है, मैं हूँ थोड़ा बहुत, और बच्चे लोग जो हैं वो आजकल पापा ये नहीं ये करेंगे, पापा ये नहीं, चलो भाई। वेरी नाइस। और लाइटिंग का किसका आइडिया था? वो रमेश का ही है। वेरी गुड, I loved it. किसी स्नेहल तलिती ने लिखा है, looks just like Govinda. देखो लोग पब्लिक मान रही है, आप भी अब शीशे में देखना, आपके आपको भी गोविंदा नजर आएगा। आप तो अब मार ही डालोगे। जान निकालोगे कब वक्त मेरी। सुनो जी, एक और आर्टिस्ट जूनियर गोविंदा भी रेडी है अगर गोविंदा जी। अच्छा, एक स्नेहल तलिती लिखी, स्मॉल रिक्वेस्ट ऑफ जलते दिए वुड बी ऑसम। फरमाइश है जी। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है। मन सिंह भी देख रहे हैं, मन सिंह कह रहे हैं क्या बात, मेरे कजन हैं यहीं पर यूएसए मैरीलैंड में रहते हैं और बहुत बिजी रहते हैं, किस चीज में आई डोंट नो, पर बहुत अच्छा गाते हैं। वाह, ऑफ कोर्स गायकी तो हमारे खून में है। खून कम नजर आएगा, म्यूजिक के नोट्स ज्यादा नजर आते हैं। किसी बॉटल में खून डोनेट कर दे तो पता चले एक दो राग बाहर चले गए। वो भी सुरीला हो जाएगा। सो ये दिए चलते हैं, कौन से थे मेरे भाई? आप सिर्फ गाना बजाना ही करते हैं, घर में बीवी की कुछ हेल्पफुल भी करते हैं कोविड के टाइम, खाना खुना बनाने में? वो पीछे असरे, बच्चे असरे बड़े ध्यान से बोलना, वो पीछे देख, पीछे पूरी टीम को मालूम है, उनको मालूम है। एक्चुअली लाइफ का भी ये रहता है कि पहली बात मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, बहुत बड़ा करम है ऊपर वाले का मेरे ऊपर, कि डैडी एक बात बोलते थे कि अगर जो आपकी वाइफ आपके मिजाज की है तो आपकी जन्नत यही है, और आपके मिजाज से अलग हो गया मामला तो आपकी दोजख यही है। सुना सुना तुमने, जन्नत यही है। दोजख पार्ट पे तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। तो मैं इसमें खुशनसीब ये हूँ कि मुझे किसी चीज का कोई परवाह नहीं रहती, वो ऊपर वाला उनको सलामत रखे, सब कहाँ से क्या हो जाता है वो अपना। अब तो मैं सो रहा भी हूँ तो बच्चे उठे, देखो स्कूल जाने के लिए भी पापा को डिस्टर्ब नहीं हो, पापा के रूम में नहीं जा रहा, इधर आके सो। तो बहुत ये उसको अप्रिशिएट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। असल में ये जो टीवी और ये रेडियो का कॉन्सेप्ट है, ये शौकीन थी। नहीं, वो आपकी देन, मैं समझ रहा हूँ ये शौकीन थी, इसको ये सारा कुछ करना था। मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं तो उसी में लगा पड़ा था, राइट। तो फिर मैंने देखा इसका शौक है, तो अच्छा जो साथी है ना, जीवन साथी, फिर वो मेक श्योर करता है कि
जो उसके पार्टनर का शौक है फिर वो पूरा कैसे किया जाए। बिल्कुल सही। सो थैंक यू कुलदीप फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि बैंक का काम तो इधर से आता है। अब इसकी वजह से मेरे मुझे भी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल जाता है। पता है जिंदगी बहुत छोटी है, ये बातें याद रह जाएंगी। अरे वाह, दानिश साबरी जी देख रहे हैं, दानिश जी आपकी तारीफें हो रही थी, आप मिस कर गए। बाय द वे ही इज वेरी गुड लुकिंग, दानिश हीरो जैसा लगता है। अब ये गोविंदा लग रहा है तो भी तो हीरो लगेगा ना यार। सो घर में टीम तैयार है। अच्छा, तो अभी बात करेंगे कि ऐसा कोई सलमान जी के साथ जैसे आपने किया, सलमान जी के साथ आपने ऑल टुगेदर कितने सॉन्ग हो गए आपके? मेरे तकरीबन 10 से 12 सॉन्ग सलमान जी के लिए हुए हैं। हाय हाय, बहुत खुश नसीबी रही। तो काफी सभी लोग ऑलमोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ किए हैं, हिमेश जी के साथ किया है, मेरे ब्रदर के साथ किया है, मगर ज्यादातर मेरी झोली में जो गाने आए हैं सलमान जी के लिए वो साजिद भाई। साजिद भाई तो आपकी उस उनके साथ रिश्तेदारी भी है साजिद वाजिद के साथ? जी 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 जी, वो मेरी एक बोले बोले सर बोले वो मेरे क्या आप नहीं आप कुछ के नहीं आप कुछ कह रहे थे ना? वो मेरे मामा के लड़के हैं। अरे वाह, तभी इतने सुरीले। मेरी मेरी ख्वाहिश थी वाजिद भाई अल्लाह को गरीब की रहमत करे, परवरदिगार वाली चैन दे। मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक ऑलमोस्ट जितने लोगों के साथ काम किया है, इतना सुरीला बंदा मैं आज माइक पे बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, कोई माइक अला नहीं बोलने का जी। मैं आपके लाइव बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर जो वाजिद ये भी नहीं कि भाई थे, ये बात नहीं, जो काम जो रूदारी, बाप रे बाप, कमाल, अल्लाह को ऊपर से नेचर हमेशा ही हंसते रहना, बहुत अच्छा, कमाल कमाल। मुझे एक बार मिलने का मौका मिला उन्हें दिल्ली में, हम किसी शादी में, कौन सी शादी थी, दलेर मेहंदी जी की बेटी की शादी में, तो वहां पर आप थे? मैं आया था। नहीं थे आप, मुझे नजर नहीं आया, मैंने फिर अनदेखा कर दिया आपको। सॉरी। तो मैं मुझे उन दोनों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग तब बाहर से अमेरिका से गए हुए थे सारे, सारी बहनें, तो खुद जब हम लोग इतने सालों के बाद मिलते हैं ना एक दूसरे को, तो बहुत हम लोग आपस में इतना बिजी रहते हैं परिवार कि हमें दूसरों को देखने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन ऑफ कोर्स कि हम लोग उनके म्यूजिक की वजह से, क्योंकि म्यूजिक लवर है तो उनके बहुत बड़े फैन है, वहां पर बहुत सारे फनकार आए हुए थे, जस्ट नेम इट, पूरी इंडस्ट्री गई थी, पूरी इंडस्ट्री गई थी, 80% लोग थे जी। तो लेकिन हमारा मुझे वहां पे जो एक्चुअली जो पूरा अरेंज किया था सब देखा था वो कपिल सिब्बल सर। हाँ, तो कपिल सिब्बल सर ने मुझे बुलाया था कि शराब ऐसे से ये है, तो मैं फिर गया तो बड़ा एक आनंद रहा, तो सबके साथ मुलाकात, रात को वहां पे गाना बजाना भी हुआ, ढोल ताशे बजे, रात को पूरी रात महफिले चली, सब काफी पंजाब से सिंगर आए थे, तो बहुत धमाल हुआ, बहुत धमाल हुआ जी। तो उसमें मुझे उनसे थोड़ी देर सिर्फ हेलो हाय या मिलने का ही मौका मिला, बातें तो नहीं की, पर मैं उसी में खुश थी कि मैं अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रही हूँ। कमाल, कमाल। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत दुख लगा, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर वी हैव एज यू सेड, है ना। और उससे भी ज्यादा दुख ये लगा कि एक जोड़ी, इतनी अच्छी जोड़ी थी ना दोनों भाइयों की, तो वो एक टूट गई, तो वो मुझे मतलब बयान करना मुश्किल है कि कैसे बताएं कि बड़ा तकलीफ है। ऐसा ऐसा म्यूजिक अभी सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि ऐसा म्यूजिक अब कैसे आएगा, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी ऐसी कमाल की थी, दोनों भाइयों की, वाजिद और साजिद भाई की। चलो वाहिगुरु उनको अपने शरण में रखे, अपनी अल्लाह उनको अपने यू नो शरण में रखे, और उम्मीद ये करते हैं कि अभी जी मोनी जी वो जहन से नहीं उतरता, जब आता है ना वो पूरा एक चीज, हम लोगों ने अभी दबंग के टाइम इतने काम किया, तो कोई भी गाना, जितने गाने थे दबंग के, एकाउंटर शबाब से गवाओ, कोई भी गाना शबाब से गवाओ, या वो एक गाना है कुछ नैना का गाना है वो रात भाई से का, एक्चुअली वो नहीं हो सकता, तो शबाब से गवाओ, और यहाँ जो गाना है शबाब से गवाओ, शबाब से भाई कुछ करोगे भी तुम, क्या कर रहे हो, यानी शबाब से गवाओ, यही था लफ्ज़ एक शबाब से गवाओ। आपने जैसे हम शादी की बात कर रहे थे कि आपने बोला था कि मैं दिल्ली शादी पे गया, तो बहुत पंजाबी आर्टिस्ट भी वहां पर आए थे, तो आपने कहा था कि आपने पंजाबी भी गाया हुआ है, राइट?
तो कुछ याद है, कोई मुखड़ा कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद है, कौन सा पंजाबी गाना गाया आपने? वहां पे नहीं, नहीं अपनी लाइफ की जर्नी में आप बता रहे थे आपने पंजाबी गाने गाए। अच्छा हाँ, बॉलीवुड में तो मेरे गाया है वहां पे, तो ये नहीं कोई फिल्मी गाना मेरा बॉलीवुड। मैं कह रहा आपने पंजाबी गाना गाया था कुछ कुछ याद है कोई ऐसा पंजाबी सॉन्ग, थोड़ा सा कोई सॉन्ग जो पसंद हो? नहीं याद? मैं कोई ऐसा, मैं एक्चुअली पंजाबी सुना तो खान साहब को सुना है, नुसरत फतेह अली साहब। अरे वाह क्या बात, उनको सुना है पंजाबी गाने का। मेरे एक दो गाने एल्बम रहा है और मेरा एक सॉन्ग बहुत ही मकबूल रहा है, फिल्म सिंग इज ब्लिंग, दिल करे चू चैन, तो उसका जो अंतरा था उसमें उसमें वो फंस गया, वो फुल पंजाबी था। तो मैंने कहा यार ये लफ्ज कैसे कैसे होता है बताओ यार मुझे, तो कुमार कुमार ने लिखा था। तो मैं एक लफ्ज उसको देख रहा हूँ, मैं कहा ऐसा ये टोन आता है ना, यार सर तो वो रहा। एक तो एल्बम के भी गाने गाए हैं तो अच्छा। दानिश भाई लिख रहे हैं, शबाब भाई लॉयन है, शेर है, और पिंकी पारस कहा हो, पिंकी पारस अभी सो ना रही हो। हाँ थोड़ा तुम्हारे दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। विभा जी आपकी भी फरमाइशें पूरी होंगी, पहले हम अपने दिल की भड़ास निकाल लें। जोक कर रही हूँ, लेकिन दानिश जी बिल्कुल आपने सही कहा, शेर है ये गायकी में तो शेर है ही है, जैसा कि मैंने कहा हाई नोट कमाल के हैं, लो नोट भी, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में है जो हाई नोट अच्छा गाते हैं वो लो नोट अच्छा गा पाए, और ये तभी इनको शेर, मुझे तो बिल्कुल सूट करता है ये शेर वर्ड आपके ऊपर कि लॉयन लॉयन है, और दूसरा ये कि आप नेचर के बहुत अच्छे हैं। सो अभी आप तीन शेर बन गए ना, कैसे? शबाब साबरी शेर, तीन एस। तीन एस हो गए। आप तो प्यार है और दानिश का प्यार है, और के आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतना इज्जत देते हैं, करम है ऊपर वाले का। बस ये है कि ये ऊपर वाले की मेहर सदा बनी रहे, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, बिल्कुल सब बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। अल्लाह सबको बोलते ना कि ऊपर वाले ने बोला था ना एक बात है कि अल्लाह ताला ऊपर वाला घोड़े सवार को घोड़े सवार रखे। क्या बात है, बस चलो घोड़े सवार, घोड़े सवार। मेरी एक जरूर ख्वाहिश है कि आप दोनों भाइयों को मैं जरूर लाइव मैं अपने टीवी पर भी देखूं, और आपको कोई दोनों को गाना गाते हुए भी साथ में देखूं, एक ख्वाहिश है, क्योंकि आप लोगों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। जो मैंने कवालियां आपकी दो चार सुनी है मैंने कवालियां, तो उनमें आप लोगों को दानिश दानिश का बहुत अच्छा मसला ये रहा कि दानिश परफॉर्मर बहुत अच्छा है। दानिश जो अपने लाइन में है वो जो डैडी की जो लाइन थी, मैं डैडी को जो सुना है तो आज ये दुनिया भर के, मैं एक चीज और शेयर करता हूँ आपके साथ जी, ये साबरी साबरी ब्रदर्स का जो टाइटल है वो कैसे आया है जी प्लीज। तो वजह ये रही कि डैडी फॉलो करते थे गुलाम फरीद मकबूल साबरी साहब को, तो उनके उनके कलाम गाते थे डैडी, तो डैडी ने डिसाइड किया कि हम लोग अब उनको गाते हैं तो हम उनके शागिर्द होंगे। दिल्ली में फेस्टिवल था कोई दिल्ली के अंदर, बहुत 40 साल पहले कोई हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो जब वो फेस्टिवल हुआ तो वो सब आर्टिस्ट आए वहां पर, तो वहां पे गुलाम फरीद साहब ने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि इकबाल अफजल साबरी को सुनेंगे हम। क्या बात, मकबूल साबरी ने कुछ अलग अंदाज में गुफ्तगु कर दी तो जो सही नहीं थी उस वक्त, तो बात बुरी लगी उस वक्त, तो पापा ने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने खड़े होके बोला गुलाम फरीद साहब जी ने, तो वो तो लेजेंड थे, तो उन्होंने खड़े होके बोला कि आज मैंने अकबर अफजल साहब जी को सुना है और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो हम पाकिस्तान के साबरी ब्रदर्स हैं तो हिंदुस्तान के साबरी ब्रदर्स इकबाल अफजल साहब। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, टाइटल वहां से आया है, और ये जब से इंडस्ट्री में भी अब तो क्योंकि सब लोग साबरी ब्रदर्स लगा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो चलिए आज लोगों ने हमारे बारे में बोला कि आज हम चाहे तो दानिश और हम मिलके साबरी ब्रदर्स के, हमारे तो भाई पुरखों से चलता आ रहा, तो हम लगा के कर सकते हैं, मत जो जिसका हक है वो वहीं पर खत्म किया। ये सही बात कही आपने, ये अभी, इस लाइन में हाँ अभी तो सब लोग लगा रहे हैं साबरी टाइटल,
साविल प्रोड्यूस लगा कर दिया, तो इसलिए आज हाँ। यही है, ये उनकी जो उन्होंने बोया है उनकी दुआओं से हम काट रहे हैं कि आज दानिश साबरी अपने लेवल पे अलग काम कर रहा है, शबाब साबरी अपने लेवल पे काम कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात कहना कि क्रेडिट देना बहुत जरूरी, स्पेशली इस प्रोफेशन में, एंटरटेनमेंट में, जहां पर सिंगर है वो किसी का लिखा हुआ गा रहा है, किसी की धुन बनाई हुई गा रहा है, और वो तीनों अगर कोई और पर्सन उसको गा रहा है तो वो एटलीस्ट तीनों को क्रेडिट दे कि ये सॉन्ग राइटर ये है, म्यूजिक डायरेक्टर ये है, ये ओरिजिनल सॉन्ग का सिंगर ये था, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से मैं जरूर ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे सारा म्यूजिकल घराना ज्यादा देखता है, तो मैं कोशिश, मेरी यही कोशिश है कि ये उन तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप सब गाने वाले हो, लेकिन मत भूलो कि ये गाने में जिसकी मेहनत लगी है उसको क्रेडिट जरूर दे। आज मैं एक बात बोलूंगा मोनी जी, आज जितने भी फनकार आर्टिस्ट लोग जो इस लाइन से भी हैं वो सुन रहे भी होंगे, क्योंकि आज डैडी जो जो परफॉर्म करते थे ना, डैडी जो परफॉर्म किया है ना, वो ऐसा बाखूबी मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा परफॉर्मेंस ना देखा ना सुना। उनका जो अंदाजे बयां था ना, उन्होंने सुना है, उन लोगों को फॉलो किया, कॉपी किया है, मगर जो परफॉर्म करते थे ना, वो जो उनका अंदाज था कि एक गीरा लगानी तो गीरा के अंदर से गीरा पैदा करना, वाह। एक होता है कट्टू कट के, हाँ ये पार्ट कितना गाना है, 5 मीटर गाना है। डैडी का क्या था कि डैडी ने अगर जो कुछ गा रहे हैं तो वो ही चीज रात से सुबह कर दिया, वाह। यानी कि मैंने आई स्वर नहीं देखा ऐसा कि स्टार्ट किया है कि रात को शुरू किया है कि एक लफ्ज लेके शुरू किया, पब्लिक उस पर नाच रही है, तो आई स्वर 11 बजे रात से सुबह 4 बजा दी उन्होंने, इसी एक ही है कलाम के ऊपर। क्या बात है, उसी को ही इस तरीके से गाया है बार बार एक ही लफ्ज के ऊपर। हाँ। कमाल का परफॉर्मेंस, बाप रे बाप। इसलिए सब लोग लाइक करते, जितने आर्टिस्ट लोग हैं वो सब दुआएं देते हैं, क्योंकि पापा ने उस लाइन को, इस अंदाज को जितने परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो गिराबंदी जो गा रहे हैं आजकल जितने भी आर्टिस्ट सिंगर्स गा रहे हैं, हाँ, तो वो माशाल्लाह वो उनको याद करते हैं, यार हमारे हिंदुस्तान में एक शेर था ये, तो ये कर्म है, तो उनकी दुआओं का असर है सब। क्या बात है, थैंक यू शेयरिंग विद अस, कि कई कई बार कई चीजें मिस हो जाती है और ऐसे सुनने में मिलती है इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच आपका, जो मैं आज ये बात निकाल रहा हूँ आपका। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो चले अभी एक बात, थोड़ा सा माहौल गर्म करें। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी भी आप कभी कवाली वगैरह गाते हैं या क्या? नहीं, कवाली तो मैं कभी रहा ही नहीं है मेरा। मेरा एक पीरियड रहा है थोड़ा सा, वो डैडी के इंतकाल के बाद, डैडी जब ऑफ हो गए थे तो कुछ शोज वगैरह बुकिंग थी, तो उस वक्त जो किया मैंने, माशाल्लाह दानिश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दानिश में वो खूबियां हैं, वो सब, वो भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा गाता है माशाल्लाह, और माशाल्लाह आज वो उस लाइन में बहुत, यानी कि अपनी जो लाइन है उसकी जो सही बात, लिरिक राइटर के है वो तो उसने कमाल कर रखी है, मैं डैडी की फील्ड को बहुत अच्छा संभाल रखा है। क्या बात, आज एक और आपकी खूबी का पता लगा कि अगर जिस रास्ते पे मैं, मुझे पता है कि मैं सही नहीं चल सकता, उस रास्ते की तरफ मैंने जाना ही नहीं। आप समझ गए क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, जिस रास्ते पे ये है, नहीं नहीं, मतलब कि जिस रास्ते का माहिर हो, मास्टर, एक होता है जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, यानी कि सारी चीज का ज्ञान हो लेकिन किसी भी चीज का मास्टर नहीं, एक होता है एक ही चीज का मास्टर। सही बात, सही बात यह है कि जो आप एक ही काम पढ़े उसके मास्टर बन जाए। नहीं, एक चीज होती है, तो हमने देखा है, मैंने भी और दानिश ने भी अपने आप को माना कि क्योंकि हम लोग अगर तो करेंगे ये काम करेंगे तो डैडी से ऊपर तो नहीं जाने वाले ना। बिल्कुल सही, जो एक लेवल छोड़ के चल गए वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, तो इससे अच्छा कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया में कुछ आगाज नया हो। तो डैडी की बहुत तमन्ना भी थी कि शबाब प्लेबैक सिंगर बने, वाह। तो डैडी की बहुत तमन्ना थी, शुरू से यही था उनका कि यार मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मम्मी चाहती थी कि ये गाना बजाना स्टार्ट करे, और डैडी चाहते थे ये पढ़ लिख के कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, ये बने।
मम्मी कहते हैं छोड़ इस चीज को, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे, गाना हाँ बजाना करो और कुछ नहीं करो। अच्छा ये घर का एक वातावरण रहा है और इसलिए बहुत वक्त गुजर गया, सब लोगों को सुना, बस इसी में अपन बह गए। क्या बात है। सो बहने बहने से मुझे अब ये एक बात याद आती है कि आप हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, अब आपसे कुछ गाना सुनेंगे ताकि बच्चे बेचारे बोर ना हो जाए, म्यूजिक सांस लेकर बैठे हैं वो गिटार वाला सो ना जाए पीछे बैठ। बेटा मेरी तरफ से तो आपको बहुत सारा प्यार, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि इतनी देर बैठकर, यंग बच्चों के लिए इतना देर बैठना बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए अगेन आपके लिए बहुत बहुत अप्लॉज, धन्यवाद। थैंक यू, और तालियां आपके लिए। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि सलमान खान की फिल्म का, कि सलमान खान मेरा फेवरेट है तो उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग, आपने तो सारे बेस्ट गाए हैं, आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? मेरे तो सारे बच्चे अनमोल रतन है सही बात मगर है ये है कि मैं पहले इससे पहले एक बात करता हूँ, जी। बच्चों मानो पड़ा कि आज कोई म्यूजिशियन नहीं आएगा, मैं हाँ कह रहा वो ऐसा सिलसिला हो गया कौन म्यूजिशियन आएगा किसको करें। पापा हम है ना बैठते हैं ना, पापा हाँ के बैठते हैं तो सुबह से पापा वो कौन सा गाना है वो कर रहे हैं, मैं कहा पापा मुझे काम करने दो, मैं कुछ काम में लगा था, पापा ये कौन सा गाना करना है और ये क्या है कि, तो सुबह से बेचारे लगे हैं अब वेरी तैयार नाइस, बैठे वेरी नाइस। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत कंपोज हुआ हुआ सॉन्ग सुनाता हूँ आपको, जी फिल्म जय हो से, तेरे हाँ नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। हाय हाय वाह क्या जी वाह। बात है, मेरा फेवरेट। चलिए रुलाएंगे।
वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जो आपको सॉफ्टनेस शेर कहा गया ना जी, इस गाने से पता लगता है कि शेर वाकई शेर है, बब्बर शेर है। इतना नीचे आना सॉफ्टनेस में भी, मतलब आप, मैंने तो बहुत ध्यान से सुना है और मुझे कहीं पर भी सुर इधर उधर या वेट बिल्कुल इधर उधर जाता दिख नहीं रहा है। अच्छा कंट्रोल है वॉइस पे, मतलब ऊपर भी जा रही है, और ये वाकई में भी शायद आपके डैडी की कृपा है उसमें, ये आपकी बख्शीश है उनकी आपके ऊपर। एंड में जो आपने बिल्कुल खत्म किया है तो उसमें कंट्रोल वॉइस, पूरा कंट्रोल है उसमें, सॉफ्टनेस है, वाकई जान निकाल दी मार ही डाले के जैसे, वाकई जान निकाल दी अंदर से। तो आपने सलमान जी के लिए बहुत गाने गाए, राइट जी? तो सलमान जी के बारे में सारी दुनिया जानती है, बहुत वो भी दिलेर राइट जी। सो उनके साथ आपका कैसा तालमेल, या कैसे नखरे वाले हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे हैं सलमान खान? हाँ नखरे बहुत हैं, इसमें होने चाहिए, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और रही बात ये कि सलमान भाई से काफी रूबरू मुलाकात हुई, काफी उनकी साथ सेटिंग रही, वो जलते दिए के टाइम हो इमेज का सॉन्ग जो प्रेम रतन धन पाया उसे रहा, तो उसका ये रहा। उसके साथ साथ जो मैं एक श्रेय जो देता हूँ वो म्यूजिक डायरेक्टर की देन है, हम लोग कुछ नहीं है क्योंकि वो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। अभी जैसे साजिद भाई सर ने ये गाना हुआ है, जैसा वीर का ठुमरी, क्लासिकल ठुमरी पवन उड़ाए बतिया, जो क्या जबरदस्त जी हाँ, तो उस वक्त उनका प्लानिंग था क्योंकि वो एक वाजिद जी ने जो कंपोज किया था, वाजिद भाई ने, वो जैसे भीमसेन जोशी का एक अंदाज जो होता है क्लासिकल, तो हाँ वो तो उन दोनों ने तो कहने लगे यार ऐसा कुछ वो गाएंगे ये गाएंगे, तो एक्चुअली उनका प्यार था कि हर गाने के अंदर शहबाब को यूज करते ढूंढते थे। हाँ तो ये प्यार रहा, वो आप में खासियत है, वो आप में खासियत है वो उस चीज की। तो अभी जैसा भी उन्होंने शेयर की थी, उन्होंने बात मेरे साथ इस टाइम किया था उन्होंने, तो कहने लगे यार वो गाना जो मेरे दबंग गाना बनाया था, क्योंकि वो अलग सॉन्ग था, वो था हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़, अभी अलग है हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग, ये सब स्कैनिंग अलग है। तो उसमें था ऐसा भीमसेन जोशी का अंदाज था क्लासिकल, मन बलवान लग चट्टान रह मैदान होगे हुड़ हुड़ दबंग, पढ़ के बस होगे हुड़ हुड़ दबंग दबंग। तो ये चीजें जब वो सोचते थे तो हमेशा मेरे साथ ये रहा कि क्योंकि सलमा भाई के साथ जब हम लोग जाते थे मीटिंग करते थे तो कौन गाएगा क्या करेंगे क्या, साबी तो सारे गाने साहब से गवाएगा क्या है, सब गाने साहब से गवाएगा, तो इतना एक रहा बहुत, क्योंकि उनका एक गाना और भी था, मूवी थी किक, हाँ। तो तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है सॉन्ग रहा है, हाँ। तो मुझे भाई का कॉल आया कि यार शहबाब वो ऐसा है, मेरी आवाज बैठी हुई है, ये गाना है तो उसको याद कर ले, और ये गाना जो है वो सलमान भाई को सुनाना है, वो गाय याद कराना है, वो गाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको करता हूँ, मुझे मालूम नहीं किसका गाना है वो, मुझे मालूम नहीं किस कौन कंपोजर कौन है, मतलब वाजिद भाई का गाना है, तो मैं ऐसे गाना करके उसको मैं सलमान भाई के साथ तीन चार दिन हम लोग रहे, मैं कहा तू ही तू हर जगह आज कल क्यों है, तो मैं गाना गा रहा हूँ तो सलमान भाई तू ही तू हर जगह तू ही तू हर जगह तू ही तू, मैं क्या मिल गया, ऐसे करके मैंने सलमान भाई को 7.5 घंटे में ये गाना रिकॉर्ड किया। क्या बात है, अब ये गाना तो रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करने की बात अलग है, अब फाइनल डेट में वाजिद भाई बोले कि चल शबाब को सलमान भाई को डब करना है गाना, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, सलमान भाई को याद करा दिया, अब गाने के लिए हम निकले तो वाजिद भाई की गाड़ी में बैठा मैं, तो गाड़ी जाके हिमेश के स्टूडियो तो हिमेश के स्टूडियो ऐसे पहुंची, तो मैंने कहा भाई ये कहाँ है हिमेश के, अरे यार वो हिमेश के तो गाना है मेरा गाना नहीं है वो सलमान, अरे मैंने कहा भाई मुझे क्यों लिया है कि वो हिमेश मेरे से ऐसा मामला कुचला हो जाता है, कह ले चल मैं हूं ना चल, अब मैं इधर सलमान खान इधर वाजिद भाई
इधर हिमेश, इधर सलमान वाजिद भाई और इधर सलमान खान सामने, ऐसे माइक पे ऐसे हम लोग, मैं वो गवा रहा हूँ, तू ही तू हर जगह तू ही तू। तो बोलते हैं मुझे, एक्चुअली जब भी मुलाकात होती है, अरे वो साबरी को बुला लो, साबरी डब करा देगा मुझे गाना। तो बहुत उनका प्यार हमेशा साथ में रहता है, तो बहुत एक बहुत पसंद करते हैं उनको। कुछ गाने हैं उनके जो फेवरेट हैं, वो कभी भी ये आजा रात को फिर महफिल जमती है, फिर गाना बजाना, एक तो पंजाबी सिंगर्स होते हैं, फिर मैं हो गया, तो काफी लुत्फ आ रहा है। तो वहां पहुंचना तो समझो पूरी रात वहां गई, वहां गई, वो तो है। और सलमान भाई भी लेट सोने वाले लोगों में ना, उनका सुबह 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 शुक्र है पहली बार मोनी ने सलमान भाई बोला यार मेरी जिंदगी में। सलमान खान हम लोगों का बचपन का क्रश है। एक्चुअली हम फैन है, फैन जरूरी नहीं कि फैन उसको गंदी नजर से देखे, फैन का मतलब होता है आप आशिक हैं उस चीज के, उसके आर्ट के, ना कि उसके उसकी बॉडी के, ना कि उसके लुक्स पे, जो वो काम करता है उसके हम लोग कायल है। जब मैं मोनी से मिला था ना, तो इसने बोला मेरे हस्बैंड की फोटो दिखा दी, तो मैंने दिखाओ तो इसने बोला, मैंने बोला तो सलमान खान है यार ये, ये मेरे को पागल बनाया यार। देखो सलमान खान से उतर के यहाँ पर उतरी हूँ, वो वक्त बड़ा खतरनाक गुजरा हुआ आपके ऊपर। सही बात है, लेकिन तो, मैं खुद सलमान सर का फैन हूँ। मेरे चाचा जी भी देख रहे हैं इंडिया से, चाचा जी सत श्री अकाल, और बड़े बड़े सुरीले कीर्तन करते हैं। देखो आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, चाहे वो कीर्तन करने वाले हों, कमाल गाते हैं, क्लासिकल कमाल गाते हैं ये भी। और सलमान भाई की बात, एक्टर भी एक्टर है, उसका भी एक आर्ट है। सलमान जी का भी ऑरा जो है, और उनका नाम कोई आसानी से भूलने वाला नहीं फिल्म में। बिल्कुल कमाल कमाल। तो अभी हम जलते दिए केड़ा सी सॉन्ग वाला सुनिए, प्रेम रतन धन पाइयों का। अभी हाँ, आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको कुछ, ये तो सुनते रहेंगे, ये सुनाएंगे, मैं कुछ एक अलग चीज सुनाता हूँ आपको। हाँ, इरशाद। मेरे वालिद मोहतरम ने सुनी थी कुछ, उसको मैं कुछ मॉडिफाई करके अलग अंदाज में आपके। क्या बात, बहुत ज्यादा मजा आएगा। करता हूँ हाँ। ये कुछ अलग चीज है, कबीर दास का है, और इसको कुछ अलग अंदाज में डैडी ने परफॉर्म, और लोगों ने भी गाया है, मगर मैंने कुछ इसको अलग एक शक्ल दी है। और इसमें एक कमाल की बात है, ये कबीर दास का कलाम है, मुखड़ा है, और मैंने इसके अंदर एक अलग मिसरा, एक्चुअली ये जो गाना था मुकम्मल लोग गाते थे, मगर मैंने इसमें एक लाइन ऐड की है, वो लाइन में गाते गाते ऐसे करके इशारा करूंगा तो वो मेरी लाइन गाएगी। ओके ठीक है, क्योंकि मैं गाने बीच में रुकूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ चलिए, कहीं मौला कहीं भगवान बना बैठा है,
तेरा तोरण नंदा मैं क्या जानू राम तेरा तोरण नंदा मैं क्या जानू राम तेरा तोरण नंदा राम 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 कैसिया राम 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 बोलो राम 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 कैसिया राम राम वाह क्या बात है वाह जी वाह क्या बात है मजा आ गया वाह जी वाह मजा इसमें डबल इसलिए आया क्योंकि साथ में जो बच्चे पीछे म्यूजिक बजा रहे हैं वो भी मजा आ रहा है और सबसे अच्छी बात है कि यंग टैलेंट जब अपना रंग बीच में डालता है ना तो वो जबरदस्त लगता है कोई कोई अलग ही का कुछ पूरा उन्होंने एक्चुअली क्या पूरा अनप्लग सा है राम बम बारा राम बम बारा राम बम मैं क्या जानू राम तेरा गोरखनंदन मैं क्या जानू राम तेरा गोरखनंदन राम 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 बंदा आप में से तो सर पूरा ही सुखी पाजी चलते पूरा नजर आप तो पूरे सुखी पाजी चलते क्या सर सबको सुना है सबको सुनते रहना चाहिए कौन किस रूप में कहां कोई मिल जाए तो इसलिए यही है कि अभी जैसे मैंने आपसे हम लोगों ने इब्तदा की थी शानू दा का गाना तुम मिले से तो इसी तरीके से सबको सुना है सबको और मेरे जो एक्चुअली जो मेरे वालिद मोहतरम मेरे डैडी और मेरे अंकल जो उनकी गायकी है ना तो वो ऊपर वाले कारण से संपूर्ण मुझे सब नजर आता है उसमें सब आर्टिस्ट नजर आते हैं कुछ वो नहीं नजर आता है सही उसमें सब नजर है मुकम्मल तो मैंने उसी तरह से कुछ गा लिया तो सही है सही बात है नहीं बहुत मजा आया और मैंने जैसा कहा कि ये जो रंग है ना पीछे बच्चों का कमाल मजा आ गया एक अनप्लग सा वही कहते जैसे हम एमटीवी तो छोड़ो ये माय टीवी स्टूडियो का मजा आ गया बाकी कुछ गेस्ट हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे हम आपको जगपाल कौर मासी जी सत श्री अकाल जलंधर से वॉच कर रही हैं मेरी बहन रानी पारस आपको देख रही हैं बहुत अच्छा गाती है रानी पारस भी बहुत सुरीली है और लुकिंग गुड मोनी थैंक यू और क्या लिखा कमाल का गुलाम राहुल ने कमाल का कलाम भाई वाह वाह सो आपने जो कमाल गाया उसके ऊपर इन अवेनेस जुबैर हुसैन वारिस जी ने लिखा वाह क्या बात है माशाल्लाह और थैंक यू गाइस आप सब लोग देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जिसका नाम नहीं भी ले पाऊं रोमी डीजे यहाँ यूएसए के वन ऑफ द बेस्ट डीजे पूरे यूएसए के एक्स्ट्रा हॉट डीजे लंदन में इन्होंने धूम मचाई तो थैंक यू रोमी डीजे और कमल सचदेवा जी लिख देने क्या बात बहुत बढ़िया जी एंड ग्रेट जॉब बच्चों प्लेइंग द म्यूजिक वेरी नाइस बच्चों के लिए भी आया जी कमेंट वाह यार थैंक यू यू वेलकम अच्छी बात है कि हमारी ऑडियंस पूरा ध्यान से देख रही लेकिन है लेकिन मेरे बच्चों को मैं एक जरूर बात बोलूंगा कि म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई भी जरूर करना बहुत जरूरी है नहीं माशाल्लाह वो तो इतना स्ट्रिक्ट है मम्मी इनकी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी पुराने टाइम में कम स्कूल होता था तो चल जाता था लेकिन अब के टाइम में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा बेटा भी यही है कि वो म्यूजिक स्कूल में जाना चाहता है न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा म्यूजिक का कॉलेज है तो मैंने उसको ये बोला बेटा एक ही शर्त पे जाएगा बेटा जब तक तेरे ये ए नंबर नहीं आते ना सब चीजों में ए जब तक तू कुछ नहीं करेगा जब तक तू ए नहीं क्योंकि वो दिन रात उठता है ब्रश करने से पहले पियानो ब्रश करने के बाद पियानो खाना आवाज मारती हूँ आजा खाना खा ले अभी आ रहा हूँ पियानो बजाकर फिर नीचे जाता है तो उसके लिए म्यूजिक बड़ा स्पेशल है मेरे बेटे के लिए पर मैंने उसको क्योंकि हमारे खानदान में सारे म्यूजिशियन ही है तो ये हमारी देन मतलब ऊपर वाला ही देता है हम लोगों को ब्लड में ही है तो मुझे डर लगता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है कई वो लोग पढ़े भी नहीं है तो मुझे यही डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे अमेरिकन होकर भी पढ़ ना पाए तो बड़ा अफसोस होगा कि ऐसी कंट्री है जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं तो वहां पर बच्चा पढ़ ना पाए आजकल अमेरिका नहीं इंडिया भी
बॉम्बे जैसे शहर में आप रह रहे हैं, सही बात, एजुकेशन इससे बड़ी सिटी, मैं खुद बॉम्बे का पैदा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे में पढ़ा लिखा हूँ, यू नो, सो पढ़ाई मस्ट है, म्यूजिक भी मस्ट है, म्यूजिक तो आपके पंख है सर, जहाँ उड़ना चाहोगे उड़ ले जाएगा। हाँ, सच्ची में आपका आपका जो काम है उस पर और चार चांद लग जाते हैं। सही बात है, ये है कि भाई जो इल्म है वो उसका मेन है वो, क्योंकि ये तो एक्चुअली मैं आपको इंडस्ट्री में बताता हूँ कि आज दोनों रूप है, कुलदीप जी और मोनी जी, ऐसे ऐसे लोग इंडस्ट्री में है जिनको सा का भी पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो पढ़े लिखे हैं, उससे काम निपटा रहे हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही का। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये भी है, ये एक्चुअली बहुत एक माया अलग है, बहुत अलग है, तो उसमें मैंने सब देखा, मगर ये है कि चार चांद लग जाते हैं। वही जो मोनी जी ने कहा कि हम लोगों की, जैसे मैं अपने ऊपर बोलता हूँ, हम लोगों की तो गुजर चुकी है, कैसे भी हो गया। हाँ, तो ये माशाल्लाह जो कर रहे हैं, मैंने कहा भाई पहले पहले आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद सब कुछ है, क्योंकि हर चीज आजकल कंप्यूटर पे आ गया है, फोन पे आ गया है, तो वो उसमें इंग्लिश चाहिए, उसमें आपको एजुकेशन चाहिए, तो अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा। बाकी साहब आपने बोला उम्र होगी, यंग तो लग रहे हो यार, कितनी उम्र है? बच्चे सिर्फ 13-15 साल के, हम तो अभी जवान है सर। नहीं, म्यूजिक ने जवान रखा। अच्छा चलो जवानी से बात करते, कितनी उम्र में शादी हुई सर आपकी? मेरी एक्चुअली क्या तकरीबन 20-21 साल की एज में। अच्छा अच्छा। हाँ, डैडी को बहुत, एक्चुअली डैडी जो थे ना, तो डैडी को ये था कि यार एक्चुअली इतना हो रहा था, बहनें इतनी थी, ये था वो था, तो डैडी को ये था कि जल्दी से मैं शादी कर दूं शबाब की, पहले इसकी शादी करो फटाफट, होता ना कि बिगड़ ना जाए, लड़का हाथ से निकल जाए, बिगड़ ना जाए, तो यही रहा डैडी। लड़का लड़का हाथ से निकला, मतलब माँ बाप ने शादी की या खुद ही ढूंढ के ला? नहीं नहीं, माँ बाप ने। हाँ सही बात है, अच्छी बात है। चलो तो अभी आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी राधे के लिए साहिद भाई सर का एक सॉन्ग गाया था, वो है, फिर अभी मेरा एक एल्बम आ रहा है बहुत, वो पुलवामा अटैक जो हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें तू देश मेरा, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे लेजेंड, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान भाई, वो एक क्लिप भी शायद आपको मैंने देखा, वही बस अभी कुछ ना कुछ, अभी कोविड आ गया, ये आ गया, तो इसलिए वो आगे आगे बढ़ता रहा, ये रिलीज होने वाला है, एक बहुत बड़ा एंथम सॉन्ग। कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं। अभी बताएं, अभी आप क्या इतना अच्छा अभी आपने समा बांधा, तो मुझे तो दिल लग रहा है, मैं सुनती रहूं सुनती रहूं, अभी आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं आपको क्या सुनाऊं इस वक्त, ए माइनर था ना, नहीं वो अपना जलते दी एक फरमाइश थी, हाँ, जी 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 सीधा जी जी जी, 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 जी। ऐसी बातें किया ना करो, वाह वाह वाह, तेरे साथ
क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, रोंगटे खड़े कर दिए आपने लास्ट के सुर में, क्या बात है, लास्ट के सुर में रोंगटे खड़े कर दिए, वाह जी वाह। आप कहा, कौन से सॉन्ग से, किस सॉन्ग में कैसे मर्ज हुआ पता ही नहीं लगा। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार कर लूं जाने जा, साहे में साहे तेरे, साहे में साहे तेरे, जोर में जोर तेरे, साहे में साहे तेरे, साहे में साहे तेरे, साहे में साहे तेरे, बिताने तेरे साहे में साहे बिताने तेरे साए में, साए बिताने जिंदगी, वाह 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 वाह, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का ऐ मेरे हमदम, वाह वाह वाह, कर लेना ए तबा साथी रे, क्या बात, भूल न जाना मेरा प्यार, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंनु लग रहा है ये साबरी, ये लड़का बहुत नाम कमाएगा, ये दिल से दुआ है, वाहेगुरु करे ऐसा ही हो, क्योंकि जो प्लेबैक सिंगिंग है बहुत कम सुरीले आर्टिस्ट हैं, उनमें से कुछ नेम है, श्रिया घोषाल हो गई, सोनू निगम हो गए, ये तो की नाम है अभिजीत सिंह, इन ये तीन चार कुछ ऐसे सुरीले लोग हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि एक सुरीला म्यूजिक जेड़ा अगर वो प्लेबैक में होना तो वो चार चांद लग जाते हैं गाने में, तो ये हमें राहत फतेह अली जी की भी याद ला रहा है ये लड़का, और ये सुखी जी की भी याद दिला रहे, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, सूफी का और रूदारी का, कमाल है, कमाल है, हैट्स ऑफ टू यू, ये लास्ट वाला गाना कमाल कर दिया साथी रे। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो है रूदारी का जो माय टीवी है ना, हां थैंक यू, वो कर रहा है, थैंक यू थैंक यू, तो मजा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करने का मजा, फिर सुनने सुनाने का मजा, ये बहुत कम, एक्चुअली क्या है, एक शेर है मेरे डैडी का, मिसाले तारे तंबूरा जुदा हम सुर से रहते हैं, मिसाले तारे तंबूरा जुदा हम सुर से रहते हैं, अभी मिल जाएंगे सुर में, मिला ले जिसका दिल चाहे, क्या बात, तो जब तार जुड़ते हैं ना, जो रूहानी रिजा है तो उसमें, तो मैं एक्चुअली गा रहा था कर लेना एतबा भूल न जाना मेरा प्यार साथी रे, भूल न जाना मेरा प्यार, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, और ये मैं ग्लैड हूँ कि आज लॉकडाउन की वजह से आपकी टीम नहीं आ पाई है और बच्चे हैं, क्योंकि शायद हम लोग म्यूजिक फिल्मी गाने सुनते रहते, हालांकि ये भी फिल्मी गाने हैं,
लेकिन ये दुरूद आ रही कि आप इतना अच्छा गाते हैं, ये समझ में नहीं आ पाता था, क्योंकि जो फिल्मी गाने हैं उसमें आप एक लिमिट आप बंद जाते हैं कि जो आपको दिया गया आपको वही गाना है, बिल्कुल यू नो। तो इसमें जब हम लोग लाइव गाते हैं, लाइव कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो जेन में आ रहा है वो गा रहे हैं, तो उससे आर्टिस्ट की पहचान होती है, तो उससे पता चलता है कि क्या मजा हुआ, कलाकार है ये, मजा आ गया। हम कोशिश करते हैं भाई के माई टीवी के पास जब आप जैसा कलाकार हो तो हम पंछी को ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो वो उड़े, वो फिर पंछी को बोलते जिधर तेरा दिल करता उधर जा, और क्योंकि हम हवा की तरह हैं, हम सुर को समझने वाले हैं, हम आप जिधर जिधर जाएंगे हम आपके साथ साथ उसी राह पे दौड़ते हैं। ऊपर वाला आपको खुश रखे परवरदिगार, और बहुत मजा आ रहा है, और क्योंकि अच्छा म्यूजिक जो है उसकी एक उम्र ही अलग होती है, लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो मोहित जी ने बात कही है, क्योंकि हम लोग जब कोई फिल्म में गाने गाते हैं तो मुकैद एक बंद जाते हैं एक ओरे में कि इतना ही गाना है, तो उसके अलावा इधर उधर नहीं जाइए। तो जब मैं शो करता हूँ, स्टेज शो करता हूँ, तो सारे म्यूजिशियन हम लोग कोई गाना स्टार्ट किया तो कोई भी गाना स्टार्ट किया उसको गाते गाते मैं उस गाने से अलग कहीं और पहुंच जाता हूँ, तो बोलते हैं यार ये शबाब भाई क्या कर दे तो भी ये जब। मैं एक्चुअली बहुत पसंद करता हूँ लता दी को, लता दी का जो अंदाज बयान है जो उनका गाने का, तो मुझे बहुत पसंद, जो उनके कण मुर्कियां हैं, जो उनका गाने का अंदाज है, बस ये कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो करूँ कुछ गाऊं, तो ये सब आशा जी को भी गा रहा हूँ, तो लता भाई के अंदाज में कुछ सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए। बहुत बड़े बड़े फनकार हैं वो, और आर्टिस्ट वही है जो सुने सबका, फिर अपनी मर्जी से उसको अपने तरीके से गाए जी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वैसे अगर फ्री टाइम होता है घर पर या कुछ है, क्या सुनना पसंद करते हैं? यूजुअली गजलें सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कवालियां सुनते हैं, ज्यादातर क्या सुनते हैं? मैं एक्चुअली ज्यादातर जो सुनता हूँ, मैं पुराना म्यूजिक ही सुनता हूँ, जैसे रफी साहब को सुनना पसंद करता हूँ, लता जी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर जो एटीट्यूड गायकी के अंदाज हो तो किशोर दा का जो जैसे मैं अभी उस गाने पे आ जाता हूँ, फिल्म दबंग का जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग रहा था हम का पीनू है, तो उसमें उस गाने का जब डिजाइन हुआ तो उसमें कुलदीप जी आपको मेरे दो स्ट्रक्चर देखेंगे वॉइस के, ठीक है सर? हाँ, उसमें दो स्ट्रक्चर हैं, एक एक पूरा एक मयारी दबंग जो मुखड़ा है, अक्रॉस में एक नटखट वॉइस आती है बिल्कुल, जो पुराने फिल्मों में मुजरे गीत होते थे, और उसमें जो एक आदित्यना वॉइस जैसा ओल्ड सिंगर जो अलग अंदाज की बेगम फातिमा बेगम ये वो टोन का, तो वो टोन मैंने यूज किया उसमें गाने में। फिल्म थी दबंग हम का पीनी है, तो उसमें जो अंदाजे गया है वो क्रॉस में नाकर साकी अड़िया वड़िया पीनी है, तो वो जो पार्ट मैंने गा, यानी कि एक्चुअली सिंगर का एक अंदाज होता है कि कोई भी आज मैंने गाना गाया दबंग गाया तो दबंग ये गाया है, तो ये दबंग है, तेरे नैना है तो ये है। इस गाने के अंदर दो खूबियां रही हैं, तो मास्टर सलीम मेरे साथ रहे थे इस गाने में, तो ए माइनर प्रेम गली है सांकरी गए दरों गाजीपुर लत डारी है सी बावरी रे अधर में जू गौरी अंकोगे पैमाने गौरी अंकोगे, अरे दो चिंता है मैं खाने गौरी अंकोगे।
तो मुझे लगता है आपने इस शो का आगाज कर दिया है जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स या चाचा या माँ के साथ बैठ के शो कर सकते और मैं ये जरूर चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसी जुगलबंदी करनी है दोनों बच्चों ने तो डू दैट, क्योंकि हम 1-1.5 महीने में ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ भी, ताकि बच्चों को भी मौका मिले अपना कुछ जोहर दिखाने का, है ना। तो अभी कुछ ऐसा है जो हमारी आने वाली आवाम को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव आपके माध्यम से, और माय टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तक जुड़ा हूँ तो सब लोग सुनने सुनाने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों से गुजारिश, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अरे अब तो आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि आप में इतनी रूह आ रही है, आप एक ही गाने को 10 तरीके से गा सकते हैं। और रही जिंदगी की बात सर, जिंदगी आपकी बहुत लंबी होगी और मैं हम दुआ करेंगे कि आपकी इतनी लंबी जिंदगी और आपकी जिंदगी में ही आपके बच्चे इतने कामयाब होंगे कि आपको गर्व होगा कि ऐसा वक्त भी आए कि आप लोग आपको जाने कि आप इनके फादर। थैंक यू सो मच, भगवान करे कि आप सब इतने कामयाब हो। बिल्कुल, और माय टीवी इससे बड़ी खुशनसीब कुछ नहीं, आपने जो ब्लेसिंग दी है बहुत बहुत शुक्रिया। और माय टीवी है आपके लिए, जब भी आपको लगे कि कोई नई चीज आई है, कुछ नया आया है कि आपको चाहिए कि ऑडियंस सुने, जस्ट सेंड इट टू मी। तो माय टीवी आप लोगों की वजह से ही है,
तो आप लोगों के लिए मेरा मतलब मेरा टीवी माई मतलब मेरा टीवी सो आप लोगों का टीवी है। और एक बात, आपके और आपके परिवार बच्चों के साथ कभी जिंदगी में वॉशिंगटन अमेरिका आए तो हमारा घर आपके लिए है। जरूर जरूर, आप भी बॉम्बे आएंगे, जब आएंगे तो मेरे पास जरूर आएंगे। जरूर सर, जी बिल्कुल। सो अब जाते जाते हम लोग इससे पहले अलविदा लें, कुछ आप कुछ और हमें गाना सुनाना चाहेंगे, कोई भी आपका जो फेवरेट हो? मैं अभी तो सब सुना दिया और सब क्या? सुना दिया। अब तो पीने पिलाने का काम भी हो गया सर। नहीं मैं वो जी जी उनका लेते ना उनका ना 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 एक गाना मेरा और भी हिमेश के साथ बहुत बड़ा हिट रहा है। हाँ रम्बा रम्बा ना 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 मैं अंदर करते हैं जी रम्बा रम्बा एक्चुअली म्यूजिक थी मैं शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो हम रबूतों में हम रबूतों में क्या बात है। तो ये हिमेश जी के साथ आपने किया था ये सॉन्ग है ना? जी। तो उनके साथ कैसा रहा आपका उनके साथ काम करने का तरीका, कुछ अलग है साजिद वाजिद से? नहीं नहीं ठीक है, साजिद वाजिद से वो बात नहीं है, कंपोजिशन की मामले की बात है। वैसे काम तो मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ, उनके साथ काफी गाने गाए मैंने, उनके साथ एक पूरा वक्त 10-15 फिल्म के साथ हम लोगों ने की, पुलिस जूरी टेंचर्स एज और चल नया ये पांड्रे खिलाड़ी पता नहीं कौन सी फिल्म उनके साथ की। हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, बड़ा मजा रहा। मतलब बड़े फास्ट है, किस टाइप से जैसे वो बोलते हैं, बड़े तेज तेज से बोलते हैं वो, तो क्या काम भी उनका वैसे ही तेजी तेजी से करने वाला? हाँ, बहुत फास्ट काम उनका, उनका काम का अंदाज है। हाँ शबाब ये है, ये कर ले ये कर ले। अच्छा एक्चुअली वो खुद इतने रेंज में गाते हैं ऊपर उनका, और जब वो गाना गाए तो उन्होंने कहा शबाब वो गाना मैंने गाया चला दो मैंने से बात, अब वो उसके ऊपर शामिल मैंने कहा यार अब हाँ, मैंने कहा भाई तो ऊपर चला टंगा के चले जाते हैं क्योंकि वो तो नाप से चले जाते हैं ऊपर। काफी काम करने का मजा आया मुझे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए हर चीज हर शख्स के साथ मैं एक्चुअली मेरी खुशनसीब भी रही, एलपीजी के साथ भी काम करने का मौका मिला। अरे डैडी के साथ प्रिंसी राजकुमार, क्या बात है। तुझे याद करे मर जाने वाले, आ जा आने वाले तुझे याद करे मर जाने वाले, आ जा वाह वाह वाह, आपने गाना याद दिला दिया आपने, वाह अरे वाह, कितना पुराना मैंने सुना होगा, मजा आ गया। तो एक और बैंड वो डैडी साहब गाना ई है ये भी का मौसम का भी डरना है, सुनी पड़ी है मोहब्बत की राहें, प्यार करने को यही वक्त वक्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तो इस गाने में भी डैडी के साथ गाने का मौका मिला, तो काफी चीजें रही बहुत जिंदगी में, उनका साया साथ रहा आज भी है, तो ये सब उन्हीं देन है। क्या बात है सर, आपकी इस लाइफ जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि बचपन से लेके अभी तक हम भी शामिल हुए, पूरी लाइफ की जर्नी हमारे सामने आ गई। कोविड में
एक मौका मिला हमें आपको जानने का और पब्लिक को, लोगों को, ऑडियंस को आपके बारे में जानने का. सो आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा. सो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने अपनी जिंदगी का हमें एक हिस्सा बनाया आज. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माई टीवी के जरिए आज मेरी पूरी लाइफ का जो गुस्सा था वो आज निकल के आया. मेरी रात थी ना वो आज निकली. तो पूरी जनरेशन का जो मेरा एक स्ट्रगल था वो आज आपके रूबरू आने से मुझे जाहिर करने का मौका मिला. थैंक यू सर. क्या बात है. और अच्छी बात ये है कि आपने फ्रस्ट्रेशन निकाली लेकिन भगवान ने जो आपको गोविंदा के जैसे ये जो स्माइल दी है ना, पता भी नहीं लगा कि आपने फ्रस्ट्रेशन निकाली. हंसते हंसते निकाली. थैंक यू सो मच. ये आपका प्यार है. बस ये है कि अभी आप तीनों मिलकर जब भी मौका लगे तो जरूर कुछ रिकॉर्ड कीजिएगा, चाहे रफ करें चाहे घर में बैठकर करें, जैसा भी करें, पर मुझे याद रखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं भी सुन सकूं. सर सुन नहीं सको, हमारी वेबसाइट के टीवी के वेबसाइट के फ्रंट पेज पे चलाएंगे उसको. सो बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज. रब रखा. सत श्री अकाल. जय हिंद. सलो जी, साडे बड़े प्यारे और बड़े ही दिल दे नाल गान वाले गायक और शबाब सावरी जो जे इन्हां दा नाम है, ओहो जे इन्हां दी गायकी है. और अज सुनन नूं पता चलिया कि एक आर्टिस्ट नूं अगर असी मतलब ए फायदा हुंदा लाइव सुनन दा कि आशिकी दे नाल जदों गांदा ना इंसान ते ओह किस तरह गांदा ते ओह पंछियां आंगर अपने गेस्टां नूं छड्ड दिंदे. और जिवें इन्हां ने कहा कि अज मैं अपनी जिंदगी दा सेट देम फ्री और ओह इन्ना खूबसूरत लगदा. कोई साडा स्क्रिप्टेड शो नहीं हुंदा. Nothing, जो साडे दिल च असीं पुछने, जो उन्हां दे दिल च ओह कहिंदे ने. लेकिन पूरे शो च जे साडे तों कितें गलती गुलती हो गई वी किसी वड्डे छोटे बच्चे दा या बुजुर्ग दा नाम लैंदे ते असीं माफी चाहवांगे. इंटेंशनली कुछ नहीं कीता. क्या गया दो दिनां बाद 4th of July हैगा और इंडिपेंडेंस डे है. 5th of July बड़ा खास प्रोग्राम हो रहा है, ओह वी पाकिस्तान दे बड़े वड्डे म्यूजिक कंपोजर, गजल सिंगर और बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैगे ने जी. और उन्होंने बड़े वड्डे वड्डे उस्तादां दे नाल काम कीता है और तुसीं बड़ा खुश होगे रफीक हुसैन जी दे नाल म्यूजिक उन्हां दा सुन के, क्योंकि वह लैजेंड ने जिन्हां ने लैजेंड नाल काम कीता और लैजेंड्स ने उन्हां दी गायकी गाई है ते ओह इटसेल्फ दे आर लैजेंड. सो दिस कमिंग संडे 12 बजे असीं उन्हां दी जिंदगी, उन्हां ने की कीता, की होया, हासा मखौल और कुछ सीरियस गल्लां नाल तुहाडे सामने फिर हाजिर होवांगे. तद तक के लिए सानू दुआ. और जिस तरह कुलदीप ने कहा कि संडे, जी हाँ, असीं हुण हफ्ते च दो बारी नजर आवांगे. सो साडे पटाके 4th of July दे संडे नूं पैणे ने, अद्धे अज पै गए ने, अद्धे संडे नूं पैणे. और दूसरा ए कि प्लीज डू सबसक्राइब आवर फेसबुक चैनल, जेडे जेडे वी सानू हुणे देख रहे ने, मेक श्योर टू सबसक्राइब. जस्ट लाइक दा बटन हुंदा जिवें थम्स अप हुंदा, उसको जरूर करें. अगर हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी में बोल देती हूँ कि अभी अभी आप जो सब हमें देख रही ऑडियंस, उसको पेज को लाइक करके जाएं, यूट्यूब को भी लाइक करें और हमारी ऐप है माई टीवी रेडियो, उसको भी लाइक करें. उसमें दो दो मजे हैं, उसमें आप 24/7 म्यूजिक सुन सकते हैं, देसी गाने, और उसमें आप टीवी शोज भी देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से. और जैसे मैंने बताया कि बात की कि हम बच्चों का सेगमेंट भी लेके आएंगे, बच्चों का सेगमेंट अलग होगा, लेकिन हम एक और शो इसी दौरान लेके आएंगे जिसमें फ्रेश टैलेंट, जी यंग टैलेंट, जो यंग टैलेंट, फ्रेश टैलेंट, मेक श्योर सुरीला होवे. बिल्कुल सुरीला होना जरूरी है. हां ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ. ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਵੇ ਕਿ ਯੂ نو ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸੁਰਾ ਚ ਬਾਹਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ. ਨਾਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਡੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ. ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ. ਔਰ ਕਾਲ ਮੀ ਫੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਸੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਡੂ ਦੈਟ ਸੋ ਸੋ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਐਡਸ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਐਡਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਵਿਸ਼ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ Ram Ji Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram Ji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.